हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले जिसमें हम एक्टिवा रिस्टोर करने वाले हैं। तो कल ही हमारे कस्टमर ने एक एक्टिवा हमारे पास छोड़ी है जो कि बहुत अच्छे कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रैचेस है और मैट ब्लैक में पहले भी एक बार पेंट हो चुकी है गाड़ी, लेकिन उसका भी हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं है। सीट फटा हुआ है, फाइबर के पोर्शन जो है वो सब सफ़ेद पड़ गए धूप और बारिश की वजह से। तो आपको क्लोज से भी दिखाते हैं हम लोग ये, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरा रिस्टोरेशन प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ये वीडियो पूरा एंड तक दिखाइए, देखिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, ये एक एक्टिवा हमारे पास रिस्टोरेशन के लिए आई हुई है, और आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी रीपेंटेड बाइक है। मैट ब्लैक कलर में किसी ने पहले पेंट किया हुआ है, और ओवरऑल हालत इसकी बहुत अच्छी नहीं है, वेल मेंटेन्ड तो बिल्कुल ही नहीं है गाड़ी। तो आप यहाँ पे देखिए, ये इसका मड़गार्ड जो है, इसके काफ़ी सारे स्क्रैचेस है, डेंट है, वेल्डिंग किया हुआ है। फिर ये पैनल टूटा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारे डेंट्स है, स्क्रैचेस है, कलर की कंडीशन भी बहुत ही ख़राब हो चुकी है। ये हेडलाइट कवर इन्होंने डाला है, वो भी डुप्लीकेट टाइप का है। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रैचेस है, फुटबोर्ड का कलर निकला हुआ है यहाँ से, अंदर का जो प्लास्टिक है वो भी सफ़ेद पड़ चुका है, मीटर की ग्लास ख़राब है, और कल हमने टेस्ट ड्राइव भी लेके रखी है तो इंजन में भी थोड़ा काम है इसका। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो गाड़ी में काफ़ी सारा काम है और हालत काफ़ी बुरे कंडीशन में गाड़ी है, तो हम इसको रिस्टोर करेंगे। अभी ये प्राइमर हो चुका है, हेलो दोस्तों, अब हमारा पेंटिंग का काम तो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, और अब हम इंजन का काम और बाकी रिपेयरिंग वर्क जो है वो हम चालू करने वाले हैं। तो इसमें आज अभी इंजन पूरा हमने क्लीन करके लिया है,
जिसमें अभी इसमें ये ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये हेड है, ये क्रैंक है। तो अभी ये जो क्रैंक है ये, इसमें तो बहुत आवाज़ था इसमें, और इसका जो कनेक्टिंग रॉड है इसका बेयरिंग ख़राब था, ये बाजू के जो बेयरिंग है वो ख़राब हो गए थे, ये हमने पूरा रिपेयर किया है। ये रिपेयर करने से होता ऐसा है कि कस्टमर का कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है और क्वालिटी सेम नए जैसी हो जाती है। तो ये जो ब्लॉक है, इंजन ब्लॉक है, ये पिस्टन दिख रहा है, ये वैसे क्वालिटी वाइज ये भी अच्छा था, ख़राब कुछ हुआ नहीं था, इसलिए हमने इसको वैसे के वैसे ही रखा है। इसके सिर्फ पिस्टन रिंग्स जो है ये नए आएंगे, और ये हेड है, ये हेड का भी काफ़ी डिटेल काम हो चुका है, जो इसमें यहाँ पे वॉल, इसमें जो ये वॉल आते हैं, इसमें वॉल के सीट बनाए हुए हैं, इसका लैपिंग किया हुआ है। तो अभी ये पूरा इंजन जो है ये पूरा नए जैसा हो जाएगा। अब इसमें जो ऑयल सील जो है, ऑयल सील नए आएंगे, पैकिंग नया आएगा, जोड़ते समय क्लच का अगर कुछ स्पेयर्स अगर है वो अगर ख़राब है तो क्लच के जो पार्ट्स है वो भी नए डाले जाएंगे। अब ये जो इंजन है पूरा असेंबल हो चुका है, सिर्फ क्लच कवर लगाना बाकी है, बाकी एयर फिल्टर लग गया है, यहाँ पे कार्बोरेटर लग गया है, हेलो दोस्तों। अब मेरे पीछे जो खड़ी है, जो लाल स्कूटर दिख रही है, वो पहले ब्लैक कंडीशन में थी, वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में आपने देखी थी इसी वीडियो में, और अब हमने इसको रिस्टोर किया है।